मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से मेडिकल टीम पर हमले की शर्मनाक घटना अंजाम दी गई है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस हमले में एक महिला टीचर समेत सर्वे करने गई टीम के 4 सदस्य जख्मी हुए हैं। हमलावर के पास धारदार हथियार भी था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंदौर एक बार फिर शर्मसार है। यहाँ एक बार फिर कोरोना वॉरियर पर हमला हुआ है। शहर के पलासिया थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। महिला टीम में शामिल शिक्षिका ने जैसे ही डेटा एंट्री के लिए मोबाइल निकाला, पारस नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर ने महिला टीचर को थप्पड़ मारा, उनका गला दबाने की कोशिश की और मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। तीनों के ऊपर हमला हुआ था। क्या हुआ था, किन्ने क्या करा था? तीनों के पास में आ गया वो। हाँ। और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरा सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा। उनको गले में हाथ डालकर ऐसे दबोच लिया और उनको दीदी को 2-4 लपड़ भी मारे और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। कितने लोग थे आपकी स्वास्थ्य की टीम, कितनी थी? हमारी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना एपी सेंटर में बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर पर हमले की ये पहली घटना नहीं है। इंदौर की ही टाटपट्टी बाखल इलाके की इन तस्वीरों को आप अब तक भूले नहीं होंगे। करीब 16 दिन बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इंदौर में सर्वे टीम पर हमला किया गया। इस टीम में आशा वर्कर, डॉक्टर, नर्स और टीचर शामिल थे। हमले में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। पारस नाम का अपराधी है, पूर्व अपराधी, ये इस लॉकडाउन की में भी जो है शराब वगैरह का व्यापार करता रहा है। अवैध रूप से लॉकडाउन को भी नहीं मान रहा था और उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं, पड़ोसियों को चाकू मारा है, कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वो वहाँ से भाग निकला। पुलिस ने धारा 352, 294 और 506 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें उसमें 327, 353 जैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके, गैर जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 840 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 47 लोग बीमारी से मर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोरोना वॉरियर को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कोरोना के खिलाफ इंदौर जंग कैसे लड़ेगा। धर्मेंद्र, इंदौर आज तक। कोरोना से हो रही जंग में आखिर कैसे जीतेगा हिंदुस्तान, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जब लगातार इस तरह के मामले सामने आते ही रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लॉकडाउन तोड़ने की खबर सामने नहीं आती। शहर शहर कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने वाले मिल जाएंगे आपको। पुलिस इन्हें पकड़ती है और फिर मामूली सजा देकर इन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते ट्रेंड घातक हैं और अब इस पर गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। पुलिस वालों ने जब इस ट्रक की चेकिंग के लिए इसे रोका तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तस्वीर सामने आने वाली है। पूरी तरह से बंद ट्रक के अंदर एक एक करके मजदूर निकलने लगे। ये गिनती एक एक कर 53 तक पहुंच गई। पता चला कि ये सारे लोग महाराष्ट्र के पुणे से चले आ रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर समेत 55 लोगों को वहीं पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ और सबको क्वारंटीन में भेजा गया। बेल्लारी में लॉकडाउन के बीच हजारों लोग जुट गए। राज्य के ही एक मंत्री आनंद सिंह ने इश्तहार लगवाया था कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। बस फिर क्या था, तय जगह पर तय समय पर लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून एक झटके में हवा हो गए। दूर दराज के इलाके को छोड़िए, राजधानी दिल्ली में भी तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद लॉकडाउन तोड़ते लोगों के दर्शन हो जाएंगे। पुलिस ने चारों की खूब आवभगत की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन को ठेंगा दिखाने वाले सड़क पर मुर्गा बनाए गए। पुलिस ने डंडों से पिटाई की वो अलग,
पुलिस की कार्रवाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये कोलकाता के सॉल्ट लेक की तस्वीर है, शहर का पॉश इलाका, लेकिन यहाँ भी पढ़े लिखे लोग लॉकडाउन तोड़ते धरे गए। फिर क्या था, पुलिस ने ऑन स्पॉट एक्शन ले लिया। ये बिहार के सासाराम की तस्वीर है, 100 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर मछली मारने लगे। मछली के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान हवा हो गया। शहर शहर यही कहानी है, लॉकडाउन तोड़ना अब खेल बन गया है, जरूरत अब सख्त कार्रवाई की है। पटना से राजेश कुमार झा, महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी, बेल्लारी से नागार्जुन के साथ अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।